लाखों युग पुरुषों में ये युग पुरुष निराला, राजेंद्र गुरु हमको है प्राणों से भी प्यारा। जय गुरुवर प्यारा, जय गुरुवर प्यारा। मिथ्या के तूफानों में संकित प्रगटाया, तिमिर की आंधी में ज्ञान का दीप जलाया। जिन शासन का सच्चा रास्ता बतलाया था, शासन के सुने अंबर ने सूरज पाया। तेजस्वी था ओजस्वी था वो सबसे आला। जय गुरुवर प्यारा, जय गुरुवर प्यारा। दुबला पतला तन था लेकिन लोह जिगर था, शिथिलता से लड़ा अकेला वो निडर था। अंधश्रद्धा को आडंबर को जड़ से उखाड़ा, मन से निश्चल था वाणी से वो निर्मल था। वक्त की धारा मोड़ने वाला वो था हिम्मत वाला। जय गुरुवर प्यारा, जय गुरुवर प्यारा। आओ आने वाली सदियों को भी सुनाए, पराक्रमों और शूरता की गुरुगाथाएं। धर्म को अर्पित हो कोई फिर गुरुवर जैसा, ऐसा आने वाला कल हम आज बनाए। ढूंढे फिर से नया जमाना शासन का मत वाला। जय गुरुवर प्यारा, जय गुरुवर प्यारा। जो कोई मैली विद्या से जग को डराते, चमत्कार का ढोंग रचा भक्तों को झुकाते। वे धब्बे हैं मानवता पर धर्म के दुश्मन,
खुद भी डूबेंगे भक्तों को भी भटकाते। नहीं भटकेगा गुरुवर की वाणी को समझने वाला। लाखों युग पुरुषों में ये युग पुरुष निराला, राजेंद्र गुरु हमको है प्राणों से भी प्यारा। संपूर्ण गुणों से युक्त चंदेरी नगरी के राजा खरहत राठौर वंश के थे। खत्तरगच के जैनदत्त श्री जी के उपदेश से जैन बने थे। उनके पुत्र पासु जी आहेर नगर के राजा चंद्रसेन के दरबार में। महाबली चंद्रसेन महाराज की। महाबली चंद्रसेन महाराज की जय हो। महाराज, बीकानेर से श्री मालक नाम के एक व्यापारी आपके दर्शन के इच्छुक है, उन्हें आदर सहित ले आओ। वो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। मेरा नाम श्रीमाल है, मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ और रत्नों का व्यापारी हूँ। व्यापार हेतु हम देश विदेश घूमते हैं। यहाँ आकर पता चला कि आपके राज्य में रत्नों के उम्दा पार्कों हैं, अतः एक रत्न की परीक्षा करवाने हेतु मैं आपके इस दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इस रत्न की परीक्षा करवाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत ही अच्छा हीरा है, वाह। वाह, बहुत नायाब हीरा है। वास्तव में बहुत कीमती है महाराज, ये रत्न बेहद कीमती है। पर क्या श्रीमान, तुम इसकी परीक्षा से असंतुष्ट हो? जी महाराज,
अभी इसकी परीक्षा संपूर्ण नहीं हुई है। मैं इसके लक्षण के बारे में जानना चाहता हूं, अगर कोई बताना चाहे तो बताए। महाबली कर्तव्य परायण महाराज, अगर आज्ञा हो तो मैं इस रत्न को देखना चाहूंगा। जरूर। ये पासु जी है, ये हमारे खास मेहमान है। ये श्री खरास्त राजा के पौत्र है। ये तीव्र बुद्धि और ज्ञान के भंडार है। महाराज, ये रत्न वाकई में बेहद कीमती, सुंदर और आकर्षक है, परंतु इसमें एक अवगुण है। जी हाँ महाराज, एक अवगुण। इस रत्न को जो भी अपने पास रखेगा उसकी अर्धांगनी यानी धर्मपत्नी का देहांत हो जाएगा। अगर आपको कुछ शंका हो तो आप इसके मालिक से पूछ सकते हो। जी महाराज, पासु जी ने सही फरमाया। जब से मैंने इस रत्न को खरीदा है, मेरी दो धर्मपत्नियां स्वर्ग सिधार चुकी है। अब मैं इस रत्न को बेचकर ही पुनः विवाह करूंगा। वाह पासु जी, वास्तव में आप बहुत अच्छे पारखी हैं। वाह पासु जी, वास्तव में आप कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं। आपने श्रीमल को खुश करके पूरे राज्य की लाज रख दी। आज से हम आपको पासु जी पारखी के नाम से संबोधित करें। पिताजी, हम गुरु महाराज की आरती तो रोज करते हैं, पर इनके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। ये कौन थे, कहाँ के थे, आप बताएंगे? हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी बात कही। गुरु महाराज एक बहुत बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ज्ञान का भंडार, 45 आगम के जानकार, बहुत बड़े विद्वान थे, तपस्वी थे, बहुत बड़े ज्ञान के भंडार थे। गुरुदेव ने 45 आगम का अध्ययन करके महान अभिधान राजन कोश की रचना करके पारक गोत्र को उज्ज्वल किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनजान होते हुए भी आपके भाल पर शोभित जिनाज्ञा स्वरूप तिलक साधर्मिक होने का आभास कराते हैं। अतः आपके आने से हमारी हवेली पवित्र हो गई है। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? परंतु ठहरिए, चौबिहार का समय हो गया है। चौबिहार करके आप हमें कृतज्ञ कीजिए, उसके पश्चात बातचीत करते। हम आपके आभारी हैं। आपके ही नगर के सेठ श्री किशनलाल जी ने हमें आपके पास भेजा है। वैसे चौबिहार करके प्रतिक्रमण हम उन्हीं के साथ करेंगे, ऐसा हम उन्हें वचन देकर आए हैं। अतः आप हमें क्षमा करें। जैसी आपकी इच्छा। अब आप हमें बताइए, सेठ किशनलाल जी सुख छाता से तो हैं? उन्होंने आपको हमारे पास भेजकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ऐसे तो हम इस शहर में व्यवसाय के उद्देश्य से आए थे, साथ में रत्न माणिक हीरे जवाहरात आदि लाए थे, मगर न जाने ये सब कैसे चोरी हो गए। हमने इसकी फरियाद राज दरबार में लिखवा दी है। वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला है कि सप्ताह भर में चोरों को पकड़कर आपका माल सही सलामत लौटा देगी। पर जो माल हमने यहाँ पर खरीदा है उसका भुगतान तो हमें आज ही करना था, और सेठ किशनलाल जी के पास 5 लाख सोने की मोहर आज ही नहीं थी, अतः उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। आशा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। बस इतने छोटे से कार के लिए सेठ जी ने आपको मेरे पास भेज दिया? यदि सेठ जी किसी भी व्यक्ति को मेरे पास भेजते तो मैं रोका लिख देता, पर तो आप चिंता न करें, मैं अभी कुछ करता हूं। सीताराम जी हुकुम। इन महानुभाव को पेटी पर ले जाओ और जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए इन्हें दिलवा दो। सेठ किशनलाल जी ने ठीक ही कहा था। ऋषभ दाजी पारिक गोत्र में अलंकार स्वरूप तो है ही, साथ ही भरतपुर नगर के आभूषण सदाचारी और निंदात्मक कार्यों के त्यागी है, श्रावक के 12 व्रतों के धारक है। आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। यह रकम हम आपको अति शीघ्र ही भिजवा देंगे, विश्वास रखिए। देखिए, साधार्मिक पर विश्वास न रखना
यानी सुदैव से विश्वास हट जाना है। आप निश्चिंत होकर पधारिए। सीताराम इन्हें ले जाओ। जय जय जिनेंद्र। पधारिए। पधारी, चौबिहार का समय हो गया है। आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। भाग्यवान, सेठ किशनलाल जी के यहाँ से दो साधार्मिक भाई आए थे, बस वो अभी अभी गए। अरे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उन्हें भी तो चौबिहार करना होगा। घर आए देवतुल्य मेहमानों को आपने जाने कैसे दिया? मैंने उनसे कहा तो था, परंतु वो सेठ जी को वचन देकर आए थे, अतः मैं अधिक नहीं कह सका। ठीक है, माणिकचंद और प्रेमा दोनों अभी अभी चौबिहार करके देव दर्शन करने गए और वे कह गए हैं कि आज प्रतिक्रमण पौषशाला में ही करें। आप पधारिए। आज प्रतिक्रमण के पश्चात आपने स्वाध्याय में कौन सा पाठ पढ़ा है? भाग्यवान, आज हमने सत्य के स्वरूप का अध्ययन किया है। तो बताइए, सत्य कैसा होता है? सत्य सत्य चंद्रमंडल से भी सौम्य और सूर्य से भी तेजस्वी होता है। तो क्या व्यक्ति को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए? अवश्य, परंतु भाग्यवान शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सत्य यदि संयम का घातक हो तो नहीं बोलना चाहिए। तो फिर असत्य के बराबर क्या होगा? स्वयं की प्रशंसा और दूसरों की निंदा ही असत्य के बराबर होती है। इसमें व्यक्ति नर्क या निगोद के बंधन में बनता हुआ निम्न वंश में उत्पन्न हो जाता है। तो क्या सत्य सिद्धिदाता होता है? अवश्य, सत्य के प्रभाव से मंत्रोषधि और विद्याओं की सिद्धि प्राप्त होती है और सत्य से उत्कृष्ट होकर देवता भी सदैव सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। जीते रहो बेटे, आ। अच्छा पिताजी माताजी, अब हम आराम करें। हाँ बेटे, आप लोग आराम करो, हम भी आराम करते हैं। जाओ। जय जिनेंद्र स्वामीनाथ। जय जिनेंद्र भाग्यवान। क्या बात है, आज बहुत प्रफुल्लित दिखाई दे रही हो। आपके चेहरे पर रत्न सी तेजस्विता दिखाई दे रही है। कोई प्रिय घटना सुनाने बता रही हैं? स्वामी, आप धर्म के प्रभाव से वाकई अंतर की बात पढ़ने में कुशल हैं। स्वामी, आज मैंने बोर होते होते अर्धचेतनावस्था में एक रत्न को मुख में प्रविष्टित होते हुए देखा और जैसे ही वो पेट में पहुंचा तो लगा कि जैसे हजारों मंदिरों के घंटनाद एक साथ सुनाई दे रहे हो और आकाश में एक और सूर्य प्रकाशमान हो उठा एवं एक अजीब सी खुशबू मेरे रोम रोम को पुलकित कर उठी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं गुलाब, चंपा, चमेली और मोगरा के पलंग पर सोई हुई हूँ। नाथ, आप भविष्य के जानकार के साथ साथ स्वप्न फलादेश के भी जानकार हैं, तो कृपया मुझे बताइए। देवानुप्रिय, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में एक रत्न रूपी बालक जन्म लेने वाला है जो मिथ्यात्व के अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटाकर
धर्म की ज्योत को चारों दिशाओं में फैलाने वाला है। वो जैन धर्म का सूरज बनकर प्रकाशमान होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि का दीपक चंद्र, प्रभात का दीपक सूर्य, त्रिलोक का दीपक कर्म और कुल का दीपक सुपुत्र है। ऐसा सर्वगुण संपन्न हमारे कुल की शोभा को बढ़ाने वाला दीपक आपके कोख से जन्म लेने वाला है। अतः आप धैर्य पूर्वक अपने गर्भ का जतन करें, धार्मिक स्वधाय करें, प्रमाद रहित रहते हुए सुपात्र दान करें। कारण क्या? आपके कर्मों का प्रभाव आपके गर्भ पर पड़ेगा। आइए प्रतिक्रमण के लिए चलते हैं। आइए। ये वो समय था जब हिंदुस्तान का आकाश परिवर्तन के कुहासे से भरा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम उत्कर्ष पर थी। अंग्रेज हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जातिगत जड़ों में सेंध लगाकर सदियों पुरानी संस्कृति को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अनाचार की इस आंधी से जैन दर्शन और जैन धर्म भी प्रभावित हो रहा था। ऐसे में जैन धर्म की अस्मिता को बचाने के लिए सर्वत्र जैन संघ तप, जप एवं ध्यान द्वारा कायोत्सर्ग कर रहे थे। सेठ जी प्रणाम। उत्तररत्न की बधाई स्वीकार करें। बालक तेजस्वी, बड़ी बल वाला और अंकों से संपूर्ण है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुखदायक खबर सुनाई तुमने। ये लो तुम्हारा इनाम। जा सीताराम जी। हुकुम। मुनीम जी से कहकर सारे गांव वालों का मुंह मीठा करवाइए, दानशालाएं खुलवा दीजिए और पुत्र प्राप्ति की खुशी में सभी के कर्ज माफ करवा दीजिए। जाइए। हुकुम। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म के अभ्युत्थान के लिए एवं अधर्म के विनाश के लिए भारत की रत्न गर्भा वसुंधरा पर ऐसे महान मानवों का अवतरण होता है जिनका व्यक्तित्व एक अमर दीप की तरह होता है, जो स्वयं युग के साथ नहीं बहते, युग के बहाव को अपने विचारों द्वारा साथ लेकर चलते हैं। आप किन विचारों में खोल रहे? आज अपना पुत्र 2 महीने का हो गया है। जिन मंदिर में जाकर पूजा, नामकरण विधि और आदि कार्य भी तो करवाने हैं। आप निश्चिंत रहिए भाग्यवान, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आइए जिन मंदिर होकर आते हैं। आइए। धन्यवाद। अरे साहब आप पूछे ही मत, भोजन वजन करे हुए? अरे आप गैसा बैठे ऋषभदास जी का क्या 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 खाया तुमने? अरे खावा की तो बात ही मत पूछो। तरह तरह के ऋषभदास जी ने कर्जा माफ करवा दिया। बधाई रुपया।
गाना बजाना बहुत हो गया बुआ जी, अब नाम तो रखिए आप। इसका नाम है रत्नराज। बाबा, अब हमारा बेटा रतन गुरुकुल जाएगा। देवानुप्रिय जी आई। मैं रतन को गुरुकुल छोड़कर आता हूं। उन दिनों शिक्षा का आधार धार्मिक क्षेत्र के बारे में ज्ञान, शास्त्र चर्चा, कर्म कांड का अभ्यास और लोक व्यवहार के साथ साथ व्यापार के कार्य को संभालने का ज्ञान प्राप्त करना मुख्य हेतु होता था। पूर्व भव में किए गए ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम के कारण रत्नराज ने सभी कलाएं सीखकर विविध विषयों का ज्ञान सहज ही प्राप्त कर लिया था। प्रणाम पिताजी। अरे बेटे रतन, तुम सुखी रहो। जय जिनेन्द्र सेठ जी। प्रणाम पंडित जी, पधारिए, आपका स्वागत है। आपके बच्चे ने 5 प्रतिक्रमण अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए हैं और कई मंत्र भी साध लिए हैं। इसकी प्रज्ञा अति उत्तम है। यह बालक भविष्य में अपने ज्ञान, ध्यान और तप से जैन शासन का प्रभावक बनेगा। शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है, जिन्होंने पवित्र तीर्थ पर कठिन तपश्चर्या की हो, ऐसे भाग्यशालियों के घर ही इनके जैसे धैर्यवान, गुणवान, विनयवान पुत्र का जन्म होता है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आप इसे किसी सुगुरु के सानिध्य में रखें ताकि रत्नराज और प्रगति कर सके। अवश्य पंडित जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी मन, वचन और काया से उसका आचरण तो कोई आपसे सीखे। समय बीतता जा रहा था। 3 साल बीत गए। रत्नराज ने ज्ञान के साथ साथ प्रभु भक्ति के गीत भी लिखने शुरू कर दिए। वे जब जिनालयों में गाते तो सभी भाव विभोर हो जाते थे।
शरण में आन खड़ा ओ दादा चरण शरण भी तो कहा है नाणम नरस सारम, ज्ञान ही मानव जीवन का सार है। ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान एक सर्वोत्तम गुण है और इसी ज्ञान की उपासना से रत्नराज ने अल्पायु में ही कई विशेषताएं अर्जित कर ली। बेटे माणिकचंद, बेटे रत्नराज, हमने तय किया है कि चैत्र महीने से आप दोनों अपना अपना व्यवसाय अपने हाथ में ले लें। अब हम निवृत्त होना चाहते हैं। मैंने आपका ब्याह करवा दिया है, अब आपको रतराज और प्रेमा का ध्यान रखना होगा और अब अपने परंपरा अनुसार कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत से पूर्व आपको तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि तीर्थ तारते हैं, उद्धार करते हैं और तीर्थ यात्रा करने से पूर्व किए गए कर्मों की निजरा होती है। ऐसा यह संसार का आरण्य है। देखो बेटो, तीर्थ एक ऐसा घना छायादार वृक्ष है जिसमें शांति और शीतलता तो उत्पन्न होती है, पाप ताप आदि व्याधि से भी मुक्ति मिलती है, यहां तक कि निकांचित कर्मों की नींव भी श्रद्धा पूर्वक वासना रहित जिनाज्ञानुसार और भावपूर्वक किए गए तीर्थों से हिल जाती है, निर्जर हो जाती है। बेटे श्रावक को हर पल पाप से डरते रहना चाहिए,
और तीर्थों में रात्रि आदि भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य मनुष्य को निगोदवासी बना देते हैं। अब आप दोनों तीर्थ यात्रा में जाने की तैयारी कीजिए। पिताजी, अगर हम केसरिया जी की यात्रा पर जावें तो? वाह, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है, लेकिन बेटे एक बात का ध्यान रखना कि रास्ता लंबा, कठिन और पर्वतीय है, लुटेरों का डर लगा रहता है। पिताजी, आपका आशीर्वाद एवं देव गुरु धर्म की शरण जिसे भी प्राप्त है वो भला किसी से कैसे डर सकता है। पिताजी, आप निश्चिंत हमें आज्ञा प्रदान करें। ठीक है, मेरी आज्ञा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय और लगाएगी। प्रेमा, बेटे कितना पानी उड़ेल रही हो तुम, जल्दी करो, देरी हो रही है। पिताजी, मैं तो कपड़े पहन रही थी, मैं तो स्नान मात्र दो लोटे में ही कर लेती हूँ। मुझे पता है कि पूजा करनी हो तो ही स्नान करना चाहिए, वरना बड़ा पाप लगता है। देखा देखा आपने, आजकल अपनी प्रेमा भी बहुत होशियार हो गई है, यह भी 11 वर्ष की हो गई है, और ब्याह लायक होने में कहाँ इतना समय लगता है। मुझे शादी ब्याह नहीं करना, मुझे तो दीक्षा लेकर अपने भव और भावना को सुधारना है। हाँ हाँ, ठीक है, हमें पता है, चलो जल्दी चलो। हमें जाकर मदद करनी चाहिए। वे भीड़ इतने हैं, हम क्या करेंगे। भैया आप उधर ही तो सही, फिर देखिए हम क्या नहीं कर सकते। आप सभी कुशल से तो है, कोई हानि तो नहीं हुई, कहाँ से बता रहे हैं आप। अरे ये लड़की कौन है, क्या हो गया इसे, किसकी पुत्री है ये। अरे ये मेरी बेटी है, मेरा नाम सौभाग्यमल है, मैं अंबरपुर का रहने वाला हूँ। हम सभी केसरिया जी तीर्थ यात्रा से यात्रा करके आ रहे थे कि यहाँ हमें भीलों ने घेर लिया, हम सब आपकी वजह से ही यहाँ पर सुरक्षित रह पाए हैं। ये मेरी बेटी रमा है, इसको डाकिन की व्याधि है, हम कई जगह घूम आए, लोगों ने जहाँ कहा वहाँ हम गए, लेकिन इसकी व्याधि खत्म नहीं हुई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब ये सगाई के लायक हो गई है, अब हम क्या करें। आप चिंता ना करें, यह अभी ठीक हो जाएगी, अब पानी लेकर आवे। ये लीजिए।
पिताजी, माताजी, आपकी पुत्री अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। इसकी व्याधि भी खत्म हो गई है। आप जब चाहे इसकी सगाई कर सकते हैं। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जाने वाले हैं। मेरा नाम रत्नराज है। ये मेरे बड़े भाई मानिकचंद जी है। हम भरतपुर के श्रेष्ठी ऋषभ दास जी के पुत्र हैं। हम केसरिया जी तीर्थ की यात्रा पर जा रहे थे। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन सा मंत्र आपने पढ़ा जिसे सुनकर मेरी पुत्री एकदम स्वस्थ हो गई। मैंने तो सिर्फ इसे नमस्कार महामंत्र की साधना से इसकी व्याधि खत्म की है। जगत में नमस्कार महामंत्र तो सभी मंत्रों में शिरोमणि है। अरे, आपने नवकार महामंत्र से मेरी पुत्री को एकदम स्वस्थ कर दिया। नवकार महामंत्र का पठन तो हम सभी नित्य करते हैं। महानुभावो, आप तो क्या प्रत्येक जैन नमस्कार महामंत्र का पठन करता है, मगर उसे आत्मा में नहीं उतारता। उसके पांचों परमेश की पदों पर ध्यान देकर आचरण नहीं करता। खैर, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ठहरिए ठहरिए, आप ऋषभदास जी के सुपुत्र हैं। ये जानकर हमें अत्यंत खुशी हुई। साथ ही साथ माणिकचंद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह मैं रतन राज जी से करना चाहता हूँ। ये मेरी आपसे विनंती है। इस जैसी सौंदर्यवान लड़की आपको जगत में कहीं नहीं मिलेगी। यह मानव जीवन आत्म कल्याण किसी विषय वासना के कीचड़ में गवाने के लिए नहीं। यह मानव जीवन और सौंदर्य बिजली की चमक की तरह चंचल है। मुझे प्रयोग से भी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। जय जिनेंद्र। मुख मुद्रा सुख शांति रसमय रूप तेजस्वी। श्री केसरिया जी तीर्थ यात्रा से आने के पश्चात अपना व्यवसाय 3 वर्षों तक सुचारू रूप से चलाते हुए एक दिन दोनों भ्राता। प्रणाम पिताजी। पिताजी, हमें व्यवसाय संभाले हुए 3 वर्ष हो गए। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। कर्मचारी गण अपनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा देवे तो हम कलकत्ता जाकर अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। भाई, आप दोनों की कार्य कुशलता एवं व्यवहार की पूरी नगरी में चर्चा है। स्वजन परिजन सभी आप लोगों की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम भी बहुत खुश हैं। परंतु तब भी आप अनंत देशांतर भ्रमण द्वारा नए क्षितिज प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु बेटे, एक बात का ध्यान अवश्य रखना। सांसारिक प्राणी अपने प्रियजनों के लिए बुरे से बुरा कार्य भी कर डालता है, परंतु जब उस कर्म का दुष्फल भोगने का समय आता है तो उस समय वे बंधुजन बंधुता नहीं दिखाते। अतः ऐसा कोई भी कार्य न करना जिसे आत्मा कलंकित हो, क्योंकि इस संसार से हर एक प्राणी को एक दिन अवश्य सब कुछ छोड़कर चले जाना। ठीक है, अब आप दोनों ज्ञानी हो, मैं अधिक और आपसे नहीं कहना चाहता। आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम समेत शिखर जी, राजगृही, पावापुरी आदि तीर्थ यात्रा करते हुए कलकत्ता जाए। वाह, विचार तो बहुत शुभ है। और जहां विचार आचार शुभ हो तो अशुभ हो ही नहीं सकता। अवश्य जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ। जाओ। धन्यवाद। पूज्य पिताजी की आज्ञा प्राप्त कर दोनों भाई पावापुरी, चंपापुरी समेत शिखर जी आदि की तीर्थ यात्रा करते हुए कलकत्ता पहुंचे। प्रबल पुरुषार्थ, प्रखर प्रज्ञा एवं प्रचुर पुण्योदय के त्रिवेणी संगम ने दोनों भाइयों की ख्याति को जबरदस्त चमकाया और बेशुमार संपत्ति अर्जित करते हुए श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में भी विश्वास और प्रामाणिकता द्वारा अपनी साख को नई ऊंचाई प्रदान की। यहाँ प्रत्येक व्यापारी की जुबान पर आपका नाम अमृत घोल रहा था कि जय जिनेंद्र। अरे धरमचंद, आप जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपको यहाँ का पता किसने दिया? अरे, आप दोनों भाइयों के इतने चारों ओर चर्चे हैं कि आपका पता पूछने की आवश्यकता ही नहीं हुई। खैर छोड़िए, और बताइए हमारे माता जी पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है?
बाकी तो सब ठीक है, पर आपके माताजी और पिताजी कुछ अस्वस्थ है और आपको शीघ्र आने का संदेश भिजवाया है। ठीक है, हम कल यहाँ से प्रस्थान करते हैं और अति शीघ्र पहुँचते हैं। धन्यवाद। आपको बहुत सी व्याधियों ने घेर रखा है, रत्नमाणिक को गए हुए भी काफी समय हो गया है, आप खबर भिजवा कर दोनों को बुला लीजिए ना। भाग्यवान, धर्मदास जी से समाचार भिजवा चुका हूँ, वो 10 दिन पहले ही तो गए हैं, और मुझे ऐसा ज्ञात पड़ता है कि अब तक दोनों भ्राताओं को समाचार मिल चुका होगा। अभी लोगों ने अपना व्यवसाय इतना बढ़ा रखा है कि समेटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। पिताजी, 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 माताजी, दोनों भैया आ गए। पिताजी, पिताजी, आप कितने कुमला गए हो, आपने हमें पहले खबर क्यों नहीं कर दी? भैया सच में हमें पिताजी को छोड़कर द्रव्योपार्जन हेतु जाना ही नहीं चाहिए था। बेटे, ये पंचम काल है, रोग व्याधि तो लगा ही रहता है, जीवन में कब क्या घटित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए मनुष्य को मोह माया त्याग देनी चाहिए। अब तुम लोग आ गए हो, व्यर्थ में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माता तीर्थ, पिता तीर्थ, इस उक्ति का साक्षात्कार पारिक परिवार में हो रहा था। पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ था, किंतु काल को कुछ और ही मंजूर था। स्वामीनाथ की सेवा करते करते अचानक श्रद्धा की प्रतिमूर्ति माता केसरबाई ने इस नश्वर देह को त्याग कर महाप्रयाण कर लिया। सारा परिवार इस वज्रघात को सहन करने की शक्ति बटोर ही रहा था कि कुछ ही समय पश्चात दूसरा आघात लगा। पूज्य पिताजी भी अचानक चल बसे। इस आघात पर आघात ने रत्नराज को जागृत कर दिया और रत्नराज सोचने लगे। जब जीवन के साथ मृत्यु इतने अभिन्न भाव से जुड़ी हुई है तो ये धन संपत्ति, ये व्यवसाय, ये नाम प्रतिष्ठा क्यों? मरण धर्मिता की नींव पर सुख शांति की इमारत कैसे बन सकती? यह संपूर्ण संसार व्यर्थ ही है। इस संसार में जो उदय हुआ है उसे तो हर हाल में ही होना है। जो जन्मा है उसका मरण अनिवार्य है। मुझे अब इस क्लेश में, इस दुख में संसार से कुछ भी नहीं लेना। रत्नराज जाग, जाग रत्नराज, अपने ज्ञान का उपयोग कर, व्यर्थ ही जीवन बर्बाद करने से क्या फायदा। जाग, जाग रत्नराज, जाग। आपके माताजी एवं पिताजी के देहवास की खबर सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मित्र, शोक तो व्यवहारिक है, परंतु सच तो यही है कि जो जीव इस संसार में आता है उसे ये संसार छोड़कर जाना ही होता है। यह आवागमन तो कई कालों से चला आ रहा है। शोक संताप करने से मोहनीय कर्मों के बंधन हो जाते हैं, जो नरनिगत के भी कारण हो जाते हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को, बताइए आप कहाँ जा रहे थे? अपने शहर में कल्याण सूरी जी के शिष्य प्रमोद सूरी जी के चतुर्मास का प्रवेश हुआ है और आज से व्याख्यान शुरू हुए। मैं तो भाई वही जा रहा हूँ, क्या आप भी चलोगे? हाँ हाँ चलो। महानुभावो, यह शरीर विनाशी है, संपत्तियां शाश्वती नहीं है और इस संसार का माया जाल भी झूठा है, रात्रि के स्वप्न की तरह है। स्वप्न में एक कंगाल व्यक्ति
अपने आप को राजा के रूप में देखता है, परंतु आंख खुलते ही वह पुनः कंगाल ही रहता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी कई प्रकार के अनुभवों को झेलती हुई अंततः इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। जो कोई इसके मोहपाश में जकड़ गया उसने अपना संसार बढ़ा दिया, और जिसने भी इस संसार को आसार समझकर सर्ववृत्ति प्राप्त कर ली उसने अपने संसार की भ्रमणा कम कर दी। हम सभी जानते हैं गर्भावस्था का दुख और फिर उस दुख की परंपरा को। जैसे बाल्यावस्था में मल से भरा शरीर, तरुणावस्था में वासना का कीड़ा एवं वृद्धावस्था में कमजोर पड़ी इंद्रियों के कारण हीनता का अनुभव, इतना सब कुछ देखने के पश्चात भी जब व्यक्ति इस काया से मोह नहीं हटाता निसंदेह वह व्यक्ति दुर्गति का मेहमान बन जाता है। महानुभावों जरा सोचिए, महामूल्य मिला यह मानव भव, उसमें भी जैन कुल, जिनेश्वरों का शासन और शास्त्रों का श्रवण, इससे अच्छा हल्लुकर्मी को और क्या चाहिए? संसार को बढ़ाकर जानवरों की तरह जीने से तो अच्छा है व्रत प्रचकान को धारण कर संसार को घटाने की ओर कदम बढ़ाया जाए। ये महानुभावों, संसार में स्वल्प भी सुख नहीं है, इसलिए उभय लोक में हितकारी धर्म करना ही श्रेष्ठ है। सदगुरु का सानिध्य पापी को भी पुण्यवान बना देता है। बहुत से लोग व्यक्ति हमें कहते हैं, गुरुदेव हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं, सूत्रों का अध्ययन भी याद नहीं रहता, हम दीक्षा लेके क्या करेंगे? उनके लिए खास आवश्यक निरुक्ति में कहा गया है कि शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन भी सच्चरित्र साधक के लिए प्रकाश देने वाला होता है। जिनकी आंखें खुली है उसे एक दीपक की रोशनी भी बहुत प्रकाशमान लगती है। अतः आत्मार्थी को मोह माया से दूर रहते हुए संयम ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार नित्य प्रवचनामृत का पान करते करते रत्नराज के भीतर वैराग्य की ज्योत प्रकाशमान होने लगी, और रत्नराज मन ही मन कहने लगे, माता पिता कितना प्यार दुलार करते थे, वे भी चले गए, एक दिन मुझे भी मृत्यु की शैया पर सोना पड़ेगा, सारा सुख ऐश्वर्य यही रह जाएगा। क्या यही मानव जीवन का सत्य है? मैं अपने मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, आत्महित और आत्मकल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर दूंगा। भाई बहन स्वजन मुझे इस संसार के मोह में फंसाना चाहते हैं, पर मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। वे भी अपने विचारों में सत्य होंगे, पर मैं भी तो अपने विचारों में सत्य हूँ। ये तो मेरी आत्मरक्षा का प्रश्न है। आयुष्य पूर्ण होने के पूर्व जो साथ लिया तो सच जाएगा, और आयुष्य का भरोसा भी क्या, कौन सी सांस अंतिम होगी कौन जान सकता है। बस मुझे तो इस संसार से व इसके बंधन से कोई वास्ता नहीं। रत्न, रत्न जी भैया, रत्न मैं कलकत्ता माल खरीदने जा रहा हूं, आते आते महीना भर लग जाएगा, तब तक तुम व्यापार संभालना। बड़े भैया व्यापार तो चलता रहेगा, छोटे भैया 19 वर्ष के हो चुके हैं, आप तो उनकी शादी की फिक्र करो, मेरे लिए छोटी भाभी ला दो ना। सो तो सब निश्चय है, आते ही ब्याह का कार्य। भैया मैं तो आत्म साधना की साध लिए बैठा हूँ, आप मुझ पर विवाह की गाज मत गिरा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यदि आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो आप मेरा हित कीजिए, इस अमूल्य मानव जीवन में मिल रहे अमूल्य अवसर का लाभ लेने दीजिए। भैया इस नश्वर संसार में तो सारी वस्तुएं भयपूर्ण है, क्योंकि हर क्षण प्राप्त हुए वस्तु के खो जाने का डर लगा रहता है, किंतु वैराग्यावस्था में ऐसा कोई भी भय नहीं होता। भैया कृपया आप तो मुझ पर दया करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें। उफ, यह तेरा कैसा निर्णय है? क्या तुम सभी को रोता बिलखता हुआ देखना चाहते हो? क्या संयम भी कोई बच्चों का खेल है? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा।
देखा, इतने कड़ाके की सर्दी में यह रत्न कैसी कठोर साधना कर रहा है। हाँ प्राणनाथ, पिछले कई दिनों से देवर जी को देख रही हूँ। मैंने कई बार समझाया पर वे एक ही रट लगाए हुए हैं कि भाई साहब मेरे पूज्य है, कि भाई साहब मेरे पूज्य है। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन एक न एक दिन उन्हें मुझे प्रवज्य के लिए आज्ञा देनी ही होगी। प्राणनाथ, निश्चित है कि देवर जी कोई उदात्मा है। वे तरुण है किंतु उन्माद उनसे कोसों दूर है, बल्कि उनमें तो प्रोडोसी गंभीरता और मुनिरासी विरागता नजर आती है। ये देवर जी की महानता का ही तो प्रतीक है। भला हम ऐसे वैरागी को कब तक बांध पाएंगे प्राणनाथ? देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रत्न, देखो चरित्र का पथ बहुत कठिन है। यह ऐसी धारा व्रत है जिसे धारण करना नन्हे नन्हे हाथों से सागर पार करने के समान, अथवा तो बिना शस्त्रों के संग्राम जीतने की तरह। यह तुमसे कैसे संभव होगा भाई? आप अपने मन से सारी शंकाएं निकाल दीजिए। तुम्हारी भाभी भी कह रही थी कि यतियों के कपट और माया जाल में शामिल होकर तुम अपना हित कैसे साध पाओगे? आप दोनों मेरे हितैषी हैं। आप दोनों की बातें स्नेह और वात्सल्य की परिचायक है। दृढ़ संकल्प, पूर्ण मनोयोग और प्रबल पुरुषार्थ के बल पर मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग स्वयं ही प्रशस्त कर सकता है। यतियों के मायाचार और कपट का भी मुझे भय नहीं है। दश वैकालिक के चारों अध्ययन मैंने अर्थ सहित गुरुदेव से समझ लिए हैं, तथा शेष अध्ययन भी मैंने हृदयगम किए हैं। चरित्र की निर्मलता के लिए जो भी कष्ट आएगा वो मैं सहन करूंगा। भैया, समय आते ही आपको पता हो जाएगा कि आपके रत्न के जीवन का लक्ष्य क्या है। आप मुझ पर दया करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें। भैया भैया, गृहवास का त्याग करना बड़ा ही सरल है, परंतु महाव्रतों का पालन करना बड़ा ही दुष्कर है। तलवार की धार से भी तेज जीवन सर्दी गर्मी बरसात कांटे कंकड़, ये सभी आपका कोमल शरीर कैसे सहन करेगा? कैसे सहन करेगा भैया? कष्ट को सह बिना पूर्व में किए हुए पापों की निर्जरा कैसे संभव होगी? मुझे अपने आत्मा में रहे हुए शीर निर्वत अनंत अनंत कर्मों का नाश करना है, जिसके लिए मैं अप्रमत भाव से चारित्र का पालन करूंगा। अपने महाव्रत को एक भी दोष का कारण नहीं बनने दूंगा। मन में एक भी अशुभ विचार को प्रवेश नहीं करने दूंगा, तथा प्रत्येक पल तत्व चिंतन में मन को प्रवृत्त रखूंगा। भैया, आप मुझ पर भरोसा रखें। ठीक है देवल जी, अगर आप संयमी लेना चाहते हो तो हम आपको नहीं रोकेंगे, पर कुछ दिन और ढल जाइए। भाभी जी, जिस व्यक्ति की मृत्यु के साथ मैत्री है, या जो व्यक्ति मृत्यु को चकमा देकर भागने की शक्ति रखता हो, या जो ये समझता हो कि मुझे मौत आएगी ही नहीं, वही ऐसी इच्छा रखेगा कि मैं सर्ववृत्ति कुछ समय पश्चात ग्रहण करूं। न तो मेरी मृत्यु के साथ मैत्री है और न मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मौत आएगी ही नहीं, और न मैं मृत्यु को चकमा देकर भागने की शक्ति रखता हूँ। अतः मुझे तो कल पर भी विश्वास नहीं है। कल क्या, मुझे तो अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। यही मेरी सोच है भाभी जी। भैया, क्या सच्चा सुख पाने के लिए यही एकमात्र राह है? हाँ बड़ी दीदी, आप एक बात का ध्यान रखना, जिस दिन ये शान शोहरत ये मनोरम दृश्य छोड़कर मौत को प्राप्त करोगे, उस दिन मात्र एक धर्म ही आपके साथ आएगा और कोई भी नहीं। भैया, आप बार बार मौत का नाम क्यों उच्चारते हो? मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। समग्र जीव सृष्टि में मनुष्य सबसे कम, सभी मनुष्य बुद्धि वाले
तो उससे भी कम। ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि इस कुल में मुझे ऐसी शिक्षा मिली कि मैं आत्मसाधना कर सकूं। न जाने कब मृत्यु का परवाना आ जाए, उससे पहले ही मैं स्वस्थ और पवित्र मन से आत्महित लेना चाहता हूं। दीदी, मैं मौत को महोत्सव बनाना चाहता हूं। जब ये काया तपश्चर्या से पवित्र होगी, मन में सरलता होगी, अनशन स्वीकार किया हुआ होगा, परमात्मा के ध्यान में लीन हुआ हुआ होगा और प्रत्येक श्वासोश्वास मुझे परमात्मा के समीप पहुंचा रहा होगा, तभी तो मुझे समाधि मरण प्राप्त होगा। दीदी, बस करो भैया, बस करो, बस। ठीक है रत्न, अगर तेरी अंतिम इच्छा संयम ग्रहण करने की है तो ये भला हम हमारा मोह तुझे कैसे रोक। ठीक है रत्न, अगर तेरी अंतिम इच्छा संयम ग्रहण करने की है तो हम कल ही गुरुदेव के पास उदयपुर चलें, साथ साथ में कुछ सृष्टियों को भी लेते चलें। मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए महावीर का होगा, मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए महावीर का होगा। प्रभु का है ये ओघा जिन शासन की शान है, जिन शासन की शान है, साधुता का मुकुट है ये त्याग की ये पहचान है, आत्म का कल्याण मेरा हो, आत्म का कल्याण मेरा, इसको पाके होगा, मुझे चाहिए महावीर का होगा, मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए महावीर का होगा। लोकों का वैभव भी इसका मोल न कर पाए, इसका मोल न कर पाए, इस ओघे के आगे सारा त्रिभुवन भी ये झुक जाए, इससे महंगा इससे ऊंचा हो, इससे महंगा इससे ऊंचा, और भला क्या होगा, मुझे चाहिए महावीर का होगा, मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए वीर का होगा, मुझे चाहिए महावीर का होगा।
रोज होगी अग्नि परीक्षा, रास्ता ये आसान नहीं, रास्ता ये आसान नहीं। सर्दी गर्मी भूख प्यास दुखों का भी कोई पार नहीं, फिर भी भाव भाव के दुखड़ों से हो, फिर भी भाव भाव के दुखड़ों से ये दुख कम ही होगा, मुझे चाहिए महावीर का ओघा, मुझे चाहिए वीर का ओघा, मुझे चाहिए वीर का ओघा, मुझे चाहिए महावीर का ओघा। इसकी लाज न जाने दूंगा, जतन करूंगा जान से, जतन करूंगा जान से, इस ओघे को नई बुलंदी दूंगा ये अरमान है, इस पे कोई दाग लगाए हो, इस पे कोई दाग लगाए मुझसे सहन ना होगा, मुझे चाहिए महावीर का ओघा, मुझे चाहिए वीर का ओघा, मुझे चाहिए वीर का ओघा, मुझे चाहिए महावीर का ओघा, मुझे चाहिए वीर का ओघा, मुझे चाहिए वीर का ओघा, मुझे चाहिए महावीर का ओघा। संवत 1904 वैसाख सुदी पंचमी शुक्रवार को आपने दीक्षा लेकर अपने गुरु के साथ विहार किया। जब साधना के मार्ग पर साधक कदम बढ़ा देता है तब से वो पूजनीय वंदनीय बन जाता है। अब रत्नराज रत्नराज नहीं थे, वे अब रत्न विजय हो गए थे। उनकी ज्ञान पिपासा को देखते हुए एक दिन, रत्न विजय, तुम्हारे विनय विवेक वयावच और स्वाध्याय से हम संतुष्ट हैं। तुम्हारी ज्ञान पिपासा को देखते हुए मुक्की सरस्वती पदवी के धारक खरतरगच्छीय विद्वान सागर चंद जी के पास हम तुम्हें काव्य अलंकार न्याय कोश और व्याकरण आदि का अभ्यास करने मारवाड़ भेजना चाहते हैं, साथ ही आगम पंचांगी का तलपर्षी अध्ययन करने तपागच्छीय पूज्य श्री देवेंद्र सूरी जी के पास जाना है। कारण ज्ञान का परम अनुभव ही चरित्र है, क्योंकि ज्ञान से वस्तु तत्व का ज्ञान होता है, दर्शन से उस वस्तु का निश्चय होता है तथा चरित्र के द्वारा उसे आचरण में लाया जाता है। ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया ही मोक्ष का कारण बनती है। मुझे आशा है वर्तमान में जो शिथिलता यतियों में दिखाई दे रही है उसे तुम अपने ज्ञान बल से अवश्य सुधारोगे। मेरा पत्र साथ ले जाना और कल से ही विहार शुरू कर देना। गुरुदेव, आपने मुझे इस योग्य समझा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपकी आशाओं को मैं पूर्ण करूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखें, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और रत्न विजय जी ने संपूर्ण अभ्यास पूर्ण कर आगम पंचांगी में पारंगता प्राप्त की। हेम विजय जी ने आपको बड़ी दीक्षा देकर पन्यास पद पर आरूढ़ किया। तो देवेंद्र सूरी जी ने अपनी पाठ परंपरा पर बैठे धरणेंद्र सूरी जी को सुशिक्षा देने की आज्ञा दी। साथ ही पूज्य धरणेंद्र सूरी जी को रत्न विजय का मान सम्मान रखने की सलाह देकर समाधि प्राप्त की। धरणेंद्र सूरी जी रत्न विजय जी से पढ़ लिख कर विद्वान तो बन गए, पर शिथिल यतियों की संगत ने उन्हें भी शिथिल बना दिया। इससे रत्न विजय जी बहुत दुखी थे, पर क्या करें, वे निस्सहाय थे। तभी वे विहार के क्रम से
चैत्र शुद्ध से राणकपुर पधारे। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण देख रत्न विजय जी ध्यान एवं अनुप्रेक्षा का आनंद लेने लगे। इस वातावरण ने रत्न विजय में कुछ कर पाने की इच्छा पैदा कर दी और तीर्थपति आदिनाथ के चरणों में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन क्रियोद्धार करने का कड़ा अभिग्रह लिया, जिसकी मर्यादा 5 वर्ष की रखी। रत्न विजय जी ने अभिग्रह को बल देने तत्काल अट्ठम तप करना आरंभ कर दिया। अब रत्न विजय के आचार विचार एवं व्यवहार में अद्भुत बदलाव देखकर यतिगण घबराने लगे, लेकिन वे शास्त्रानुसारी थे, अतः वे विरोध भी कैसे कर सकते थे। संवत 1923 में घाणेराव चतुर्मास के दौरान पर्युषण पर्व के दिनों में अरब से लाए हुए इत्र के बारे में जब पूज्य श्री ने रत्न विजय जी से राय जाननी चाही, तो मानो रत्न विजय जी को मन की मुराद मिल गई। रत्न विजय जी ने कहा, इत्र और गधे के मूत्र में अंतर ही क्या है? यह तो श्रमणाचार का घोर पतन है। रत्न विजय जी का उत्तर धरणेन्द्र सूर्य जी को जहर की तरह लगा और वे अनाप शनाप बोलने लगे। इससे रत्न विजय जी अपने कुछ साथियों के साथ वहां से विहार कर नाडोल नगर में आ गए। शेष वर्षाकाल नाडोल में पूर्ण कर अपने गुरु प्रमोद सूर्य जी के पास आहोर पहुंचकर सारी स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया। अतः प्रमोद सूर्य जी ने समाज हित में रत्न विजय जी को पूज्य पद देने का विचार कर श्री संघ के सामने प्रस्ताव रखा। आहोर श्री संघ ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर संवत 1924 वैशाख शुद्ध पंचमी बुधवार को परंपरागत सूर्य मंत्र देकर श्री पूज्य राजेंद्र सूर्य नाम प्रदान किया। इस शुभ अवसर पर आहोर के ठाकुर श्रीमान यशवंत सिंह जी ने नवीन आचार्य के सम्मान में चामर, छत्र, पालकी, स्वर्ण दंड, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, दुशाल आदि भेंट की, किंतु पूज्य श्री इन सभी वस्तुओं को परिग्रह समझते थे, परंतु यतियों में व्याप्त शिथिलता को उखाड़ फेंकने एवं उन्हें चुनौती देने ये सभी वस्तुएं स्वीकार की। पूज्य पदवी के पश्चात श्रीमद राजेंद्र सूरि जी अपने यति मंडल सह विहार करते हुए मेवाड़, शंभुगढ़ आदि कई जगहों पर प्रवचनों द्वारा श्रावकों को प्रभावित करते हुए चतुर्मास हेतु जावरा पधारे। तप और जप, ज्ञान और ध्यान, त्याग एवं आराधना का अपूर्व आनंद तथा आपकी निष्प्रहता और विद्वता ने संपूर्ण मालवा प्रदेश में जबरदस्त अनुराग पैदा कर दिया। आपकी चर्चा सुनकर जावरा नवाब गोस्त मोहम्मद खां स्वयं अपने दीवान सहित आपके दर्शन हेतु पधारे और प्राणी मात्र में संभाव रखने वाले महात्मा, क्या आप हमारे घर का आहार ले सकते हो या नहीं? जैन साधु की आहार मर्यादा दाता के आचार विचार की शुद्धि पर आधारित है। व्यक्ति जन्म से ऊंचा नीचा नहीं होता, वह अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है। ऊंचे कुल में रहने वाला भी यदि हीनाचारी है तो उसके घर का आहार त्याज्य है, और नीच कुल में जन्मा व्यक्ति आचार विचार से पवित्र है तो आहार लेने में कोई दोष नहीं है। महाराज, आपके यहाँ व्याख्यान में स्त्री आती है, उनके सौंदर्य को देखकर आपका मन चंचल नहीं होता? जिस तरह एक सच्चा मुसलमान यद्यपि वह मांसाहारी है, तथापि सुअर का मांस खाने की कभी इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वह उसके लिए वर्जित है। ठीक उसी तरह हमारे लिए भी रमणी त्याज्य है, वर्ज्य है, अस्पर्श है। हम आती हुई रमणियों को माता व बहन के रूप में देखते हैं, अत विकार को स्थान मिल ही नहीं पाता। फिर भी चंचल मन में कभी न कभी तो विकार आ ही जाता होगा। जिस प्रकार मूत्र के वेग को रोकने से नेत्र ज्योति नष्ट हो जाती है, तीव्र मल के वेग को रोकने से जीवन नष्ट हो जाता है,
उर्ध्ववायु को रोकने से कुष्ठ रोगोत्पत्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार निरंतर की साधना, अभ्यास, स्वाध्याय या विषयों के प्रति विरक्ति के द्वारा चित्तवृत्तियां खत्म हो जाती हैं। इस घटना का प्रभाव संपूर्ण मालवा प्रदेश पर गहरा पड़ा, जिससे आपकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। आपकी क्रियाएं एवं ओजस्वी वाणी का असर धरणेन्द्र सूरी जी पर भी पड़ा और उन्होंने तत्काल यति श्रेष्ठों को भेजकर विनती करवाई कि हमारा नुकसान आप जैसे सत्पुरुषों के योग्य नहीं है। अपना अभिग्रह पूर्ण होते देख बस पूज्य राजेंद्र सूरी जी ने यतियों से कहा कि यदि आप प्राचीन समाचारी सह मेरी इन 9 कलमों को स्वीकार करते हो तो मैं क्रियोद्धार कर आत्मकल्याण करना चाहता हूं। सभी यतियों ने उसे स्वीकार किया। अतः वैराग्य युक्त राजेंद्र सूरी जी ने पूज्य संबंधी सारे परिग्रह त्याग कर महामहोत्सव के साथ जावरा संघ ने क्रियोद्धार का प्रसंग पूर्ण करवाया। अब आप पंच महाव्रत धारी बनकर परमात्मा महावीर स्वामी द्वारा प्रशस्त मार्ग पर विचरण करने लगे। क्रियोद्धार के पश्चात आपका प्रथम चतुर्मास खाच रौद शहर में हुआ। इस वर्षावास में आपने आगम और आगमोत्तर ग्रंथों का सटीक अध्ययन कर त्रस्तुतिक सिद्धांत का पुनरुद्धार किया। कुछ ही समय में इस सिद्धांत ने पूरे जैन समाज संघों में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी और एक दिन हे बंते, क्या पूर्व में चतुर्थी स्तुति नहीं थी? पूर्वकालीन चतुर्विद श्री संघ में 3 स्तुति ही विस्तार रूप से प्रचलित थी। इस कारण मोक्षाभिलाषी उत्तम जीवों को भावानुष्ठान में हमेशा 3 स्तुतियां ही करनी चाहिए। चतुर्थ स्तुति आगमोत्तर नहीं होने पर भी गीतार्थों की आचरणा से द्रव्यानुष्ठान जैसे पूजा, प्रतिष्ठा, शांति स्नात्र, अंजन शलाका आदि पुण्य कार्यों में ही करनी चाहिए। लेकिन प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन, पौषध आदि भावानुष्ठान क्रियाओं में श्रुत देवी, क्षेत्र देवी और भुवन देवी के कायोत्सर्ग में उनकी स्तुति करना या लघु शांति बड़ी शांति का पाठ कहना सर्वथा अनुचित है। हे वंते, क्या शास्त्रों में चतुर्थी स्तुति के बारे में कोई प्रमाण नहीं है? आप अगर पंचाशक टिप्पण पर अभेदेवाचार्य की टीका, आवश्यक सूत्र टिप्पण चूर्णी, नियुक्ति टीका, बृहत्कल्प भाष्य टीका, प्रद्युमन सूरी समाचारी, योग शास्त्र, धर्म संग्रह, प्रवचन सारोद्धार, प्रतिक्रमण गर्भ हेतु, ललित विस्तरा, विचारामृत संग्रह, संघाचार, महानिषिद्ध टीका, भाष्य चूर्णी, व्यवहार भाष्य, उत्तराध्यान लघुवृत्ति, अंग चूलिया, रंदन पयन्ना, श्राद्ध विधि टीका, सतपदी आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि जैनागमों की पंचांगी और पूर्वाचार्यों विहित शास्त्रों में चतुर्थ स्तुति का उपलब्ध न होना इशारा करता है कि चतुर्थ स्तुति भावानुष्ठान में करना दोषयुक्त है। वैसे भी क्या तीर्थंकरों ने अपने ऊपर आए उपसर्गों में कभी किसी देव देवी की सहायता ली? नहीं ली। कारण जब तक व्यक्ति स्वयं अपने निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर लेता बिना किसी की सहायता के, तब तक मोक्ष अप्रशस्त है। हाँ, साधुओं के लिए पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरी प्रतिक्रमण की समाप्ति में आज्ञा निमित्त भुवन देवी, क्षेत्र देवी का मात्र कायोत्सर्ग कर लेने में कोई दोष नहीं है। हे भंते, फिर भी चतुर्थ स्तुति करने में क्या दोष है? चौथी स्तुति अनित्य पौदलिक सुखों की याचना रूप है, इसीलिए वह पौषध, प्रतिक्रमण
आदि निर्वध्य धर्मानुष्ठान में त्याज्य है, क्योंकि भाविस्तव में उस स्तुति को करने से जिनेश्वरों की आज्ञा भंग रूप दोष लगता है। वास्तव में दृष्टिराग और पूर्वाग्रह को छोड़कर सोचें तो साफ दिखेगा कि चौथी स्तुति करके हम वितराग की घोर आशातना करते हैं। हे भंते, चतुर्थ स्तुति करने से आचार विचार का कोई संबंध है? जैन साधु और श्रावक के आचार विचार का लक्ष्य कर्म की निर्जरा है। सामायिक प्रतिक्रमण पौषध या सर्ववृत्ति का लक्ष्य देहिक इहलौकिक पारलौकिक अथवा किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाओं की संपूर्ति नहीं है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार सर्वगुण संपन्न परम पवित्र और प्रसमरस सागर अरिहंत वितराग आप्त परम पुरुषों की स्तुति करने से सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। योग्य की स्तुति करने से रत्नत्रय की बोधि का लाभ होता है। यहां समझना आवश्यक है कि रागी की उपासना से उपासक रागी बनेगा और वितरागी की उपासना से उपासक वितरागी बनेगा। निर्णय स्वयं को करना है कि संसार को बढ़ाने वाली रागी की उपासना करें या संसार को घटाने वाली वितरागी की उपासना करें। इसी विहार के क्रम में आप एक बार कुक्षीनगर पधारे, मगर गांव वालों ने आपको नगर प्रवेश की आज्ञा नहीं दी। कारण, कुक्षी के तत्वज्ञानी वेश विडंबकों से नफरत करते थे। अतः आप अपने साथियों सहित गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ठहरे। माघ महीने की कड़कड़ाती ठंड में आपको मात्र एक वस्त्र में देख इस छठूरती ठंड में आप अवश्य परलोक सिधा जाएंगे। मेरे पास आइए महाराज, आग तापिए। हम जैन साधु हैं, वितराग के मार्गी हैं, इसलिए हम तो सचेत अग्नि जल के साथ साथ स्त्री के भी त्यागी हैं। वाह वाह, धन्य। कुक्षी नगर के श्रेष्ठी रोज आते थे आपसे नए बात पर, नव तत्व पर, जीवी विचार पर, कर्मवाद पर चर्चा करके चले जाते थे। चौथे दिन कुक्षी के खास मर्मज्ञ व्यक्ति आए और मेरा नाम रायचंद है, मेरे साथ मेरे पिता सेठ आसूजी पधारे हैं और कुक्षी के श्रावक सेठ रघुबाजी आए हैं, देवीचंद जी भी मेरे साथ पधारे हैं। हम तो आप लोगों के नाम सुनते चले आ रहे हैं। आप तो मर्मज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं। अरे धन विजय जी, प्रमोद रुचि जी, इधर आओ तो देखो कुक्षी नगर के मर्मज्ञ श्रेष्ठी लोग आए हैं। आपकी नई प्ररूपणाओं के संबंध में आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। जहां सुखम, आपके सहयोग से आज अट्ठाई हो गई। आप प्रश्न कहें। पिताजी, हम अपना प्रश्न रखें। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी यात्रा क्या है। तब नियम संयम स्वाध्याय ध्यान योग आवश्यक में विवेक प्रवृत्ति ही मेरी वास्तविक यात्रा है। मेरा नाम देवीचंद, मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवता किसे नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो। अरे भाई, जो साधक कम खाता है, कम बोलता है, कम नींद लेता है, धर्मोपकरण की सामग्री भी कम रखता है और अहिंसामय तप व संयम रखता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। वाह वाह वाह, पूरे विश्व को किन दो शब्दों में समाया जा सकता है, वर्णन कीजिए। जड़ और चेतन में। वाह धन्य है, धन्य। मैं रखवा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ साधु किसे कह सकते हैं। जो मन से निर्मल मन वाला है, संकल्प से भी पापोन्मुख नहीं होता, स्वजन और परजन के मान अपमान में सदा सम रहता है, वह सुसाधु है। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, वाह वाह गुरुदेव, धन्य। जैन धर्म में
स्वाध्याय को बड़ी महत्ता क्यों दी गई है? साधक अनंत भवों के संचित पाप कर्मों को स्वाध्याय से क्षण भर में क्षय कर देता है। स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। उत्तराध्ययन सूत्र की पाय्य टीका के अनुसार स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाता है। अतः जिन शासन में स्वाध्याय को अधिक ही महत्व दिया गया है। धन्य धन्य वाह। धर्म का पालन कैसे होता है? श्रद्धा से। वाह धन्य। श्रद्धा का स्वरूप समझाइए। अरिहंत ही मेरे परमात्मा है, जिन आज्ञा का पालक सुसाधु ही मेरा गुरु है, और सर्वज्ञ प्रणित धर्म ही मेरा धर्म है। ऐसी मान्यता में संपूर्ण श्रद्धा है। वाह गुरुदेव। हम हमारी श्रद्धा का समर्पण आपकी तरफ करते हैं। गुरुदेव आप कुक्षी में सहर्ष प्रवेश कीजिए। शांतिनाथ और दादा आदिनाथ के दर्शन करके गृह देराश्रम में चंदा प्रभु जी के दर्शन कीजिए। अठाई का पालना का लाभ कुक्षी को दीजिए और आपकी निष्ठा में तारनपुर के तीर्थाधिपति आदिश्वर भगवान के दर्शन हम सभी को कराइए। हे गुरुदेव हमको संकित दान दीजिए। अब तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। श्री राजेंद्र राजा शोभित त्रिभुवन भाण उपदेश बूझे राय चंद गुण खान। पधारिए हमारे नगर में प्रवेश कीजिए। अब हमारा गुरु महाराज पधारो हमारे आंगणिए। अब हमारा गुरु महाराज पधारो हमारे आंगणिए। करो कुमकुम पगल्या आज पधारो हमारे आंगणिए। राजेंद्र सूरी जी थे आवो तो, राजेंद्र सूरी जी थे आवो तो, जागे लम्हारा भाग पधारो हमारे आंगणिए। आत्मार्थी मुनियों की परीक्षा लेकर गांव प्रवेश कराया। यहां आपने 8 उपवास का पारणा किया। कुक्षी वासियों की तीव्र इच्छा को मान देते हुए संवत 1927 का चतुर्मास यहां पर किया। यहां से वर्षावास पूर्ण कर विहार करते हुए मांगी तुंगी पहाड़ की सुरम्यता देख अरिहंत पद की आराधना करने के भाव उत्पन्न हुए और आपने छठ अठम और अट्ठाई द्वारा 72 दिनों तक अरिहंत पद के 125,000 जाप करते हुए साधना पूर्ण की। इस आराधना से आपने कई दैविक शक्तियां भी प्राप्त की, जिससे आप भविष्य की कई घटनाएं देखने में समर्थ हुए। यहां से गांव नगर विहार करते कई जगहों पर संघों में संप कराते हुए आप वरकाणा तीर्थ पर पधारे। यहां पर 3 दीक्षाएं पूर्ण करवाकर आपने आए हुए श्रावकों से, गुरुदेव मेरा नाम उमेदमल है, मैं मरुभूमि के गुड़ाइनला गांव का रहने वाला हूं। मेरे साथ ये भूति जोयला जोगापुरा शिवगंज आदि के श्रावक हैं। वर्तमान में आपकी शुद्ध चरित पालना सुन करके आया हूं। मेरे मन में कुछ संशय है, क्या आप इसका समाधान करेंगे? साधु का तो कर्तव्य ही है कि वह प्रश्नों का निराकरण शास्त्रोक्त दृष्टि से करें। कहिए क्या संशय है आपको? साधु प्रवृत्ति में प्रधानता किसे और क्यों दी जाती गुरुदेव? मोक्ष को, जैसे चंद्रमा सभी नक्षत्रों में प्रधान है, वैसे ही मोक्ष भी सभी पुरुषार्थों में प्रधान है। अतएव मुनि सदा यत्नशील और जितेंद्रिय होकर मोक्ष को केंद्र में रखकर सभी प्रवृत्तियां करता है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति चारित्र धर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? हाँ, यह सच है कि सर्ववीरति की नाव में बैठकर ही मोक्षगामी बन सकता है, मगर सर्ववीरति भी ज्ञान और दर्शन के बिना अधूरी है।
जिसने भी ज्ञान से सत्य को परख कर दर्शन कर लिया वह योगी चारित्र को स्थिर रख मोक्षगामी बन सकता है। सत्य की परीक्षा किस प्रकार की जा सकती है? ज्ञान से शास्त्रों का बराबर अध्ययन कर लेने पर भी यदि उसके अर्थ की साक्षात अनुभूति नहीं हुई हो तो वह अध्ययन वैसा ही अप्रत्यक्ष रहता है जैसे जन्मांध को सूर्य प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो त्रिस्तुतिक सिद्धांत का शास्त्रोक्त प्रमाण दे रहे हैं वही सत्य है। महानुभाव, प्रभु प्रार्थना स्तुति मंगल रूप से ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी बोधि की प्राप्ति होती है ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है। अब जो व्यक्ति सामायिक प्रतिक्रमण पौषद या सर्ववीरति में है वह व्रतधारी व्यक्ति अव्रति की स्तुति कैसे कर सकता है? ये भावानुष्ठान मात्र मोक्ष प्राप्ति हेतु ही किए जाते हैं और उसमें प्रवेश करने से पहले करेमी बनते का पचकाण लिया जाता है। सामयिक का हेतु निर्वाण की साधना और सभी प्राणियों पर संभाव धारण करना मुख्य है जो संवर के सिद्धांत का अनुसरण करने से सिद्ध होता है। संवर अर्थात आत्मा का शुद्ध परिणाम, इसका निश्चय नए की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से इसके भेद हो सकते हैं। श्री हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र में इसका वर्णन दो प्रकार से किया है, द्रव्य संवर और भाव संवर। कर्म पुद्गल का अवरोध अर्थात द्रव्य संवर और संसार वृद्धि में कारणभूत क्रियाओं का त्याग अर्थात भाव संवर। उसी प्रकार स्थानांग सूत्र के पांचवें भाग के दूसरे उद्देश्य में भाव संवर के पांच भेद बताए हैं, सम्यक्त्व, वीरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग्यता। सम्यक्त्व अर्थात मिथ्यात्व का त्याग, वीरति अर्थात हिंसा झूठ चोरी मैथुन और परिग्रह का त्याग, अप्रमाद अर्थात आत्मविकास के लिए असावधानी का त्याग, अकषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ का त्याग एवं अयोग्यता अर्थात मन वचन और काया की सर्व प्रकार की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग। वाचक मुख्य उमा स्वाति जी ने भी संवर पर तत्वार्थ सूत्र में बहुत कहा है। इस प्रकार संवर का विवरण बहुत व्यापक है। अब सोचिए कि जिन देवों की स्तुति हम करते हैं क्या वह सामायिक में योग्य है? नहीं है। कारण करेमी भंते का पचकाण लेने वाला व्यक्ति परिग्रही प्रमादी या अब्रह्मचर्य है, उनकी स्तुति कैसे कर सकता है? सामायिक की सिद्धि प्राप्त करने कौन सी भूमिका तक पहुंचना आवश्यक है जिसका ख्याल हमें विशेषावश्यक भाष्य का यह सूत्र कराता है कि जिसका संभाव वाला आत्मा संयम तप और नियम में रत है उसे ही सामयिक प्राप्त है, ऐसा केवल ही भगवंतों ने कहा है। तात्पर्य यह है कि प्रभु महावीर ने संसार त्याग कर आत्म कल्याण के लिए जिस क्रिया का आश्रय लिया वह सामयिक क्रिया ही थी, उस सिद्धि से ही वे केवल ज्ञानी बने। यहां से बाली में दीक्षाएं पूर्ण करवाकर आप आहोर पधारे। यहां पर सापनी गांव के ब्राह्मण पुत्र को जो लंगड़ा एवं गूंगा था उसे ठीक किया, पश्चात वही लड़का मोहन विजय जी बना। यहां से आप मोद्रा पधारे। यहां का चामुंड वन जो खूंखार जानवरों के लिए प्रख्यात था आपने यहीं पर साधना करने की ठानी। श्रावकों के मना करने पर भी आप पधारे और 6 महीनों तक घोर तप की साधना की। जानवर शेर आदि
आपके चरणों में बैठ जाते थे तो शिकारी भी शिकार न करने का संकल्प लेते थे। यहां से विहार कर आप चतुर्मास हेतु जालोर पधारे। जालोर शहर में मंदिर तो ज्यादा थे पर पूजने वाले कम थे, कारण स्थानकवासी एवं तेरापंथी ज्यादा थे। आपने उन्हें बुलाकर शास्त्र सुनाए, समझाया और उन 700 घरों को मूर्ति पूजक बनाया। जालौर में ही दुर्ग पर कुंभासा सेठ द्वारा बनवाए गए मंदिरों को शस्त्र मुक्त कराने आपने 28 पर 28 का तप आरंभ किया, जिससे प्रभावित होकर जोधपुर नरेश स्वयं पधारे और मंदिरों को शस्त्र मुक्त कराने का आदेश दिया। आपने अपने तप के बल पर 3 मंदिरों का उद्धार करवाया। राजगढ़ चातुर्मास में सेठ संघवी दल्लाजी लुणाजी की मनोभावना को साकार रूप देकर मोहन खेड़ा नाम के नए तीर्थ की स्थापना की। पश्चात आपका विहार फिर गुजरात की ओर हुआ। संवत 1937 के चातुर्मास में कड़वा गच्छ के यति आपके पास धानेरा आए और थराद में सैकड़ों वर्षों से त्रिस्तुतिक मान्यता प्रचलित है कहते हुए आपको थराद पधारने का आग्रह किया। वर्षावास के पश्चात आप थराद पधारे। यहां पूरा नगर आपकी अगुवाई करने को तैयार खड़ा था। संवत 1944 का चातुर्मास थराद में हुआ। यहां से तीर्थ यात्रा का वर्णन सुनकर सेठ श्री अंबाजी ने शत्रुंजय गिरनार आदि का छरी पालित संघ निकालने का संकल्प किया। इस संघ में 3000 श्रावक, सैकड़ों ऊंट सवार आदि के साथ स्वगच्छ 125 साधु और 89 साध्वियां साथ थीं। तत्कालीन समय में इतना बड़ा संघ किसी ने नहीं देखा था। संवत 1946 का चातुर्मास सियाणा में हुआ। इस चातुर्मास ने सियाणा गांव को इतिहास के पन्नों पर अंकित कर दिया, कारण विश्वकोश बने अभिधान राजेंद्र कोश के पहले अक्षर का शुभारंभ यहीं से हुआ था। आप द्वारा रचे गए 61 ग्रंथों में अभिधान राजेंद्र कोश विशेष महत्व रखता है। प्राकृत और मगधी भाषा में 64,000 शब्दों पर 4.5 लाख संस्कृत में बने श्लोकों से रचा गया ये 7 भागों में विभाजित कोश 10,900 पन्नों पर अंकित है। इस विश्वकोश में जैन दर्शन तो संपूर्ण समाया हुआ ही है, साथ में चरक संहिता, ज्योतिष विज्ञान, विश्व का इतिहास एवं संपूर्ण सृष्टि का भूगोल भी इसमें है। यानी विश्व का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इसमें ना हो। लगातार 14 वर्षों तक लिखने के पश्चात जब यह कोश तैयार हुआ तो मानो विश्व में भूचाल ही आ गया। अविश्वसनीय लगने वाला, थका देने वाला और अपनी दैनिक क्रियाओं में रत रहते हुए जब आपकी उम्र लगभग 80 वर्ष की होने को आई तब यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। इस कार्य को देखकर जर्मन हो या जापानी, अंग्रेज हो या अमेरिकन, सभी चिंतकों विद्वानों ने एक स्वर में यही कहा, राजेंद्र सूरी जी विश्व पूज्य हैं। आप विश्व पूज्य बन गए। आपने कई जगह प्रतिष्ठा अंजन शलाकाएं करवाई तो कई जगह जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व के मंदिरों की संभाल भी रखवाई। आप द्वारा आहोर का प्रतिष्ठा महोत्सव जिसमें 951 जिन बिंबों का अंजन हुआ था एक अविस्मरणीय घटना थी। तत्कालीन समाज में ऐसी घटना पिछले सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हुई थी। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के दूर दूर गांव से 50,000 जैन श्रेष्ठी उपस्थित हुए थे। ऐसा महोत्सव शायद ही देखने को मिले। मरुधर में ऐसा प्रतिष्ठा महोत्सव अपने ढंग का सर्वप्रथम था। हम सभी जानते हैं कि क्रांतिकारी व्यक्ति को कदम कदम पर खतरा रहता है, मगर आपकी विद्वता और लोकप्रियता देख विद्वान भी आपसे शास्त्रार्थ करने सामूहिक रूप से नहीं आते थे, दो चार की टोली में ही आते थे। इसी प्रकार सूरत चातुर्मास में भी एक दिन वर्तमान में जो भी श्रावक या पंचरथधारी चतुर्स्थिति की वंदना करते हैं तो क्या यह पूर्व में चली आ रही परंपरा अनुसार नहीं है? नहीं, वे भगवान महावीर के
देवावितम नमम संति के संदेश को भूल गए हैं। भगवान ने तो निर्भयता का संदेश दिया है, उन्होंने आत्म पुरुषार्थ को विकसित करने के लिए कहा है, पर भान भूल गए लोग जिनमें कई महाव्रतधारी भी है, उन सभी ने अरिहंत परमात्मा से ज्यादा देव देवियों पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। सभी बोलते हैं पूज्य माने जिनेश्वरे, पर विश्वास नहीं करते। जय विराय के सूत्र में वितराग से दुख क्षय, कर्म क्षय, समाधि मरण और बोधि लाभ की याचना करके पुनः वंदित सूत्र में सम्म दिट्ठि देवा दिन्तु समाहिंच बोहिंच बोलकर सम्यक दृष्टि देवताओं से भी समाधि मरण और बोधि लाभ की याचना कर लेते हैं। क्या अरिहंत सिद्ध साधु श्रुत बोधि प्रदान करने में असमर्थ है? पूर्व में किसी ने चतुर्थ स्तुति की, इसका मतलब यह नहीं कि हम सत्य से इसकी खोज न करते हुए कदाग्रही बने रहे। कोई भी व्यक्ति यदि भावानुष्ठान में देव देवियों की स्तुति करता है, निसंदेह वह आणाय धम्मों का उल्लंघन करता है। आनंद गंजी ने ठीक ही कहा है, देव गुरु धर्मनि शुद्धि कहो किम रहे शुद्ध श्रद्धा न आणो, शुद्ध श्रद्धा नवीन सर्व क्रिया करे क्षार पर लिपणु देह जानो। अर्थात शुद्ध श्रद्धा के बिना सारी क्रिया व्यर्थ है। आप कहना है चाहते हैं कि चतुर्स्थिति पीछे से किसी ने भावस्थान में प्रचलित कर दी? हाँ, यह सत्य है। जिस प्रकार शांति का पाठ इसमें आया, उससे यह धारणा प्रबल बनती है कि श्री वीर निर्वाण के 1055 वर्षों के पश्चात हरिभद्र सूरी जी का स्वर्गागमन हुआ, उसके पश्चात इस स्तुति का प्रचलन होने लगा, अर्थात देव देवियों की उपासना होने लगी। श्री देव सूरी जी कृत जीवानुशासन व्रति 1162 में रची हुई है, उसमें तह बंब संतिमर्पण केई वारिंति पुयणायम शब्द की टीका में लिखा है कि देव देवियों की पूजा के लिए कई साधु भी निषेध करते हैं। इसी व्रति के समय भी आचरणा में केवल विघ्न विघातन हेतु रूप द्रवण विनाशार्थ साधवोपि न केवल श्रावकाद्वय इत्यपि कुर्वति कायोत्सर क्षेत्रादि देवताया। अर्थात विघ्न निवारण के लिए क्षेत्र देवता आदि का कायोत्सर्ग साधु भी करते हैं। स्पष्ट है मात्र कायोत्सर्ग करते हैं, स्तुति नहीं। फिर लिखा है यदि मोक्षार्थ में तोषाम पूजादि क्रियते ततो दुष्टम विघ्नादि वारणार्थ त्वदुष्टम, जो मोक्ष के लिए इनकी पूजा करने में आए तो दुष्ट है। इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि चतुर्थ स्तुति का आगमन लगभग इसी समय से हुआ है। एक बात और आप सभी समझ सकते हैं कि सामयिक प्रतिक्रमण में रहा हुआ श्रावक या महाव्रतधारी जब कहे कि दुष्ट ग्रह भूत पिशाच शाकिनी नाम प्रथमाय, तब क्या उसके सामयिक में समता भाव में अहिंसा महाव्रत का दोष नहीं लगता? क्या उसके लिए दुश्चिंतीय दुभाषीय पाठ का उच्चारण पूर्वक तत्काल मिच्छामि दुक्कड़म की आवश्यकता नहीं है? आचारांग में स्पष्ट कहा है कि जो आत्मा केवली भाषित सूत्र सिद्धांत में शंका कांक्षा और विचिकित्सा देखती है, वह आत्मा समता समाधि भाव प्राप्त नहीं कर सकती। हमारा तो कहना मात्र इतना है कि सत्य क्या है उसे समझो, फिर उस क्रिया को करो। हम सत्य ही कहते हैं, ऐसे हम एकांतवादी नहीं हैं। हमने जाना, उसे बताया, विवेकी मनुष्य को गहराई से सूक्ष्मता से विचार कर क्रिया करनी चाहिए। सत्य में आपने हमारी आंखें खोल दी है, हमारा जीवन प्रकाशमय हो गया है, अब हम कहीं नहीं भटकेंगे। गुरुदेव,
सामाजिक एकता के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहे। चिरोला गांव वासियों को खाच रौद चातुर्मास में बुलाकर उन्हें समाज में पुनः स्थान दिलाया। 300 वर्षों से जो जाति से बहिष्कृत थे उन्हें अपने कुओं पर पानी तक भरने नहीं दिया जाता था। ऐसे श्रावकों को अपनी सूझबूझ से बिना कोई शर्त रखे समाज में सम्मिलित कराया। उसी प्रकार कुक्षी में होने वाला अग्नि प्रकोप आपने 20 दिन पूर्व ही बता दिया था। 20वें दिन आपने राजगढ़ में दीवान साहब से कहा, देखो कुक्षी जल रही है। ये था आपका पूर्व कथन का सत्य। संवत 1963 का चातुर्मास बड़नगर में हुआ। चातुर्मास के पश्चात नगर वासियों की विनती को मान देते हुए आप मांडवगढ़ यात्रा संघ में साथ हुए, परंतु अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आप राजगढ़ पधार गए। आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता ही गया और पौष सुदी षष्ठमी की शाम मेरे शरीर की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के दुर्बल सबल आदि परिवर्तन होने के अनेक स्वभाव है। यह शरीर अपवित्रता का एक स्थान है, इसमें अशुद्धियों के नवद्वार तो बहते ही रहते हैं और समय आने पर विनाशशील है। नवीन उत्पन्न शरीर का निश्चय मरण है और विनाशित का फिर निश्चय से दूसरा जन्म भी है। इस कारण उसके छोड़ने में विद्वान लोग कभी चिंता नहीं करते। संसार में यह जीव मर गया बस यही केवल व्यवहार में लोग कहते हैं, परंतु सत्य रीति से तो इस जीव को अजर अमर शाश्वत ही जानना चाहिए। अतः आप सभी चित्त प्रसन्न रहते हुए उसे विदा करना चाहिए। गुरुदेव, कानों में अमृत के समान मधुर सत्पुरुषों की नीति और रीति को बताने वाले, सच्ची उत्तम शिक्षाओं के घर, विवेक और विनय को देने वाले, असंख्य अनंत जीवों को सच्ची राह दिखाने वाले, सम्यक रूपी बीज का रोपण करने वाले स्वामी, आपके सिवाय अब मैं सत्य स्वरूप जिन शासन का बताएगा कौन, समझाएगा कौन? कुछ समय आप और स्थिरता करते। महानुभावों, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की व्यवस्था को याद करो। यदि इस विषय में सौधर्मेंद्र की वाणी निष्फल हो गई तो मेरी कौन गिनती है? फिर मेरे पीछे संघ को सदुपदेश देने वाले शिष्य मौजूद है। भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्ष तक सुरीति से चलता रहेगा, ऐसा शास्त्रों में भी कहा है। स्वामी, जिस प्रकार संसार में सूर्य के बिना अंधकार का समूह दूर नहीं होता, वैसे ही गुरु के बिना प्राणियों का ज्ञान रूप तिमिर भी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार चंद्रमा के बिना गगन मंडल, दीपक के बिना मंदिर और सेनापति के बिना सेना शोभा नहीं देती, उसी प्रकार गुरुदेव आपके बिना हम भी सुशोभित नहीं होंगे। गुरुदेव, आपके बिना हमारे संशय को दूर कौन करेगा? मिथ्याद्वी और शीतलाचारियों द्वारा होने वाला धर्म पर आक्रमण दूर कौन करेगा? गुरुदेव, कौन करेगा? मानुभावो, आप उसकी चिंता मत करो। इस धरती पर कई सत्पुरुष आए और चले गए, यह तो नित्य का क्रम है। एक राजेंद्र सूरी जी ही नहीं थे कि जिन्होंने जिन मार्ग का सही मूल्यांकन किया। मुझे मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव ने जो शिक्षा दी, मैंने तो बस उसी का अनुकरण किया। जो सत्य था मैंने समझाया। इस श्री संघ में और भी कई उत्कृष्ट कोटि के श्रमण होंगे, अतः आप निश्चिंत रहते हुए शुद्ध ज्ञान द्वारा धर्माराधना करना। अब मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इस विषय के वचन मैंने पहले ही कह दिए हैं, इसलिए शिष्यों, चारित्र और उसकी 5 समिति, 3 गुप्ती रूप, अष्ट प्रवचन माता के
पालन करने में हमेशा प्रवृत्त रहना। शिष्यों, जो मेरा कर्तव्य था वह मैंने मेरी शक्ति अनुसार पार पहुंचाया। तुम सभी उत्तम प्रयत्नों द्वारा जिन शासन की उन्नति करना, उस सूत्र बोलकर अपने सम्यक्त्व को खत्म मत कर देना। शल्य रहित रहते हुए आत्म साधना करना। मैंने आप सभी की अनुपयोग से यदि आत्मा दुखाई हो तो मेरे उस अपराध को क्षमा करना। मैंने जीव मात्र को भी कष्ट दिया हो तो सभी मुझे क्षमा करें। अरहम अरहम अरहम। इस प्रकार शरीर आदि सर्व औषधियों को छोड़कर अरिहंतादिकों के चार उत्तम शरणा ग्रहण कर और चारित्र में लगे हुए दोषों को सादर मिथ्या दुष्कृत देकर जैन सिद्धांतों की मर्यादा पूर्वक सुख समाधि से संथारा ग्रहण किया। अपने श्रेष्ठतर ज्ञान, ध्यान, तपस्या, परोपकार और विशुद्ध चारित्र पालन आदि सद्गुणों से लोक में अति निर्मल कीर्ति फैलाकर आत्मा में सभी जीवों पर संभाव रखते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार एक दिव्य नक्षत्र, 20वीं सदी का महान आध्यात्मिक योगी, जिन्होंने अपने संपूर्ण साधु जीवन में 3 वस्त्र से ज्यादा वस्त्रों का शरीर पर उपयोग नहीं किया, आपने अंतिम समय तक अपने उपकरणों को किसी शिष्य से नहीं उठवाया। आप रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही नींद लेते थे। आपने प्रमाद रूपी शत्रु को साधु जीवन में कभी पास फटकने तक नहीं दिया। आपने अपने संपूर्ण साधु जीवन में नित्य अभिग्रह धारण करते हुए अपनी शक्ति की परीक्षा ली। ऐसा महान योगी न जाने फिर कब मिले। अतः हम नित्य यही प्रार्थना करते हैं गुरुवर। और पल के भरी कोई आंसू से कह दो छलकना नहीं। राग से मोह से जो परे थे सदा रिश्ते नातों में उनको जकड़ना नहीं। ठाट से ये भी उत्सव मना लीजिए मन से युग पुरुष को विदा कीजिए। मन से युग पुरुष को विदा कीजिए। जय जयकार कीजिए। मन से युग पुरुष को विदा कीजिए। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए। मन से युग पुरुष को विदा कीजिए।
वफादार थे वेश से धर्म से, ये विदाई है सच्चे धर्मवीर की। दिल में क्रांति की ज्वाला धधकती रही, ये विदाई है युग के करमवीर की। भाव के कुछ सुमन भी चढ़ा दीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। चमन धर्म का ताकि जिन शासन यूं ही महकता रहे, अपनी हर सांस में वो लड़े झूठ से, ताकि शासन का झंडा फरकता रहे। स्वर्ण अक्षर में ये सब लिखा दीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। आदर्श गुरु के निभाएंगे हम, सारे सपने गुरुदेव के हो पूरे, ऐसा पुरुषार्थ दिल में जगाएंगे हम। सारे संकल्प सर पे उठा लीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। शान से गर्व से जय जयकार कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए। मान से युग पुरुष को विदा कीजिए, शान से युग पुरुष को विदा कीजिए, मान से युग पुरुष को विदा कीजिए।
शब्द सारे गुरु राज थे तारण हारे जन्म स्वर्ग तिथि ऋषभ प्यारे गुरु राज थे तारण हारे योग धरा नयन सितारे गुरु राज थे तारण हारे
पर हाथ धरो जीवनो धारे। गुरु राज थे तारण हारे। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी महापुरुष के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। हमने भी पूज्य गुरुदेव के जीवन में घटी मात्र कुछ ही घटनाओं का वर्णन किया है। कई घटनाएं तो इतनी आश्चर्यजनक थीं, जैसे वडवानी हाईकोर्ट द्वारा 52 गजाजी तीर्थ का फैसला आप द्वारा करवाना, या सिरोही राज्य के महाराज केसर सिंह जी को कहलवाकर यात्रा कर माफ कराना, झाबुआ नरेश उदय सिंह जी का आपको दिए वचनानुसार शिकार करने का त्याग। ऐसे गुरुवर न जाने कब मिलेंगे, न जाने कब मिलेंगे।